Micro kernel architectural pattern useful for development of several applications that use similar programming interfaces and that build on the same core functionality. कौन सारी applications जिनमें similar programming interface use होना हो और जिनमें same core functionality हो, उन सारी applications के लिए core component यानी कि micro kernel जो रहता है वो same रहता है, जिसमें minimum functionality होती है जो required है system को execute करने के लिए. बाकी क्या रहती है, extended functionality यानी plugins जो कि customer specific parts होते हैं वो add किए जाते हैं customer की requirement के according. माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पैटर्न कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, द कोर कंपोनेंट एंड प्लगइन कंपोनेंट्स, जिसमें कोर सिस्टम रहेगा जिसमें मिनिमल फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होगी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने की, और बाकी क्या रहेंगे, प्लगइन कंपोनेंट्स रहेंगे जो कस्टमर स्पेसिफिक होंगे, यानी कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन प्लगइन्स को ऐड किया जाएगा. कोर सिस्टम क्या होता है, इट कंटेन्स द मिनिमम फंक्शनैलिटी नीडेड टू रन द सिस्टम. इट इज़ डिफाइंड एज द जनरल बिजनेस लॉजिक, कस्टम कोड फॉर स्पेशल केसेस, स्पेशल रूल्स और कॉम्प्लेक्स कंडीशनल प्रोसेसिंग. तो इसमें जो है जनरल बिजनेस लॉजिक होता है, कस्टम कोड होता है स्पेशल केसेस के लिए, स्पेशल रूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशनल प्रोसेसिंग होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए. सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ प्लगइन्स टू फाइंड विच प्लगइन्स आर अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्री. तो कोर सिस्टम जो है उसको ये ट्रैक करना पड़ता है कि कौन से प्लगइन्स जो हैं अवेलेबल हैं, और वो कैसे फाइंड आउट करता है कि उस कोर सिस्टम के साथ कितने प्लगइन्स लगे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्री. व्हेन प्लगिंग कंपोनेंट्स टू द कोर सिस्टम, दिस रजिस्ट्री इज अपडेटेड विद द इंफॉर्मेशन लाइक द नेम, लोकेशन, डेटा, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट ऑफ द प्लगइन. तो जब भी कोर सिस्टम के साथ किसी प्लगइन कंपोनेंट को लगाया जाता है तो उसकी रजिस्ट्री, जो कोर सिस्टम के अंदर रजिस्ट्री है प्लगइन्स की, वो अपडेट हो जाती है. उसमें ये इंफॉर्मेशन आता है कि इस प्लगइन का नाम क्या है, किस लोकेशन पे है, इसका डेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट क्या है. तो इस रजिस्ट्री के थ्रू कोर फंक्शनलिटी को पता रहता है कि कौन कौन से प्लगइन्स जो हैं उसके साथ अटैच्ड हैं. व्हेन द प्लगइन्स आर रिमूव्ड, द रजिस्ट्री आल्सो अपडेट्स बाय रिमूविंग अबो इन्फॉर्मेशन. तो जब भी कोई प्लगइन हटाया जाता है तो रजिस्ट्री में जो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी उसको रिमूव कर दिया जाता है. प्लगइन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर स्टैंड अलोन एंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट कंटेन स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग, एडिशनल फीचर्स एंड कस्टम कोड दैट इज मीन टू एनहांस और एक्सटेंड द कोर सिस्टम टू प्रोड्यूस एडिशनल बिजनेस कैपेबिलिटीज. तो प्लगइन्स क्या हैं, स्टैंड अलोन और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो रिक्वायर्ड उस प्लगइन को जो वर्क करना है सिर्फ वही वो प्रोसेसिंग करता है, और उसके अंदर एडिशनल फीचर्स और कस्टम कोड होता है जो कोर फंक्शनैलिटी के अंदर नहीं होता है और कस्टमर को वो फंक्शनैलिटी चाहिए होती है टू इन्हांस और एक्सटेंड द कोर सिस्टम टू प्रोड्यूस एडिशनल बिजनेस कैपेबिलिटीज. यानी कि प्लगइन्स जो हैं वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जिससे क्या हो कि कोर सिस्टम को हम इन्हांस और एक्सटेंड कर सकें, जिससे उसके अंदर एडिशनल बिजनेस कैपेबिलिटीज आ जाएँ. क्योंकि कोर सिस्टम के अंदर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ सिस्टम को एग्जीक्यूट करने की, लेकिन कोई भी एडिशनल फीचर्स जो हमें चाहिए होते हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड होते हैं, प्लगइन्स के थ्रू ही होते हैं. प्लगइन मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और जितने भी कोर सिस्टम के साथ प्लगइन्स लगाए जा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनका कोड, सभी का कोड अलग अलग होता है. कोर एप्लीकेशन इज सेंट्रलाइज्ड लाइक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. मोस्ट एडिशनल डेवलपमेंट इज डन थ्रू प्लगइन्स दैट ऐड कैपेबिलिटीज और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी. जो कोर एप्लीकेशन होती है वो मोनोलिथिक होती है, यानी सारा कोड एक साथ लिखा होता है उसमें, और कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी होती है तो हम प्लगइन्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं कोर सिस्टम में, और बाकी जो एडिशनल डेवलपमेंट हमें करना होता है कोर एप्लीकेशन में वो हम करते हैं प्लगइन्स के थ्रू, जिससे उसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी मॉडिफाई हो जाती है. Plugins connected with core application do not know about each other and do not communicate with each other. जो plugins connect करते हैं हम core applications के साथ, तो plugins को ये नहीं पता होता है कि वो same core system के साथ attached हैं और एक दूसरे से वो communicate भी नहीं कर सकते हैं. माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर यूज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सो दैट प्लगइन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर यानी कि कोर सिस्टम जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे प्लगइन्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकें.
माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर के अंदर मेनली फाइव पार्टिसिपेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं। फाइव टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंपोनेंट्स आर यूज बाय माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चरल पैटर्न। फर्स्ट इज माइक्रो कर्नल, यानी कि जो हम कोर सिस्टम बोल रहे हैं वो होता है। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द पैटर्न। इट इम्प्लीमेंट सेंट्रल सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और रिसोर्स हैंडलिंग, मेंटेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसेस और फाइल्स। तो जो माइक्रो कर्नल होता है ये मेन कंपोनेंट होता है पैटर्न का, जिसके अंदर मिनिमम फंक्शनैलिटी होती है, जिसके अंदर सेंट्रल सर्विसेज इंप्लीमेंट की जाती हैं, जैसे कम्युनिकेशन कैसे करवाना है प्लगइन्स के बिटवीन, रिसोर्सेज जो अटैच्ड हैं कोर सिस्टम के साथ उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे मेंटेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना है, इंटरनल सर्वर्स और सब सिस्टम, एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द माइक्रो कर्नल। एग्जाम्पल, डिवाइस ड्राइवर्स दैट सपोर्ट स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय इंटरनल सर्वर्स। अब जैसे हमने कोर फंक्शनैलिटी बना ली, कोर सिस्टम बना लिया जिसमें मिनिमम फंक्शनैलिटी हमने प्रोवाइड कर दी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इस कोर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को भी अगर हमें अपडेट करना है, कुछ इसमें इन्हांसमेंट करना है, तो हमें इंटरनल सर्वर्स या सब सिस्टम्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे इस कोर सिस्टम में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने कोर एप्लीकेशन बनाई है ये स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड्स को भी सपोर्ट करे, तो उस केस में हमें इसमें एडिशनल डिवाइस ड्राइवर्स को ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये उन स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड्स को भी सपोर्ट कर सके। तो जो बना चुके हैं उसमें तो हम कुछ अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो सब सिस्टम या इंटरनल सर्वर्स बना के उस फंक्शनैलिटी को इसके साथ ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये जो कोर सिस्टम है वो ग्राफिक कार्ड्स को भी सपोर्ट कर सके। एक्सटर्नल सर्वर्स, इट इज़ ए कंपोनेंट दैट यूजेस द माइक्रो कर्नल एंड प्रोवाइडिंग प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर इट्स क्लाइंट। इट रिसीव सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट एप्लीकेशन, इंटरप्रेट दीज रिक्वेस्ट, एग्जीक्यूट द अप्रोप्रिएट सर्विस एंड रिटर्न्स रिजल्ट्स टू इट्स क्लाइंट्स। अब क्या होता है कि माइक्रो कर्नल और क्लाइंट जो है आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर क्या होता है बीच में एक्सटर्नल सर्वर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ स्पेसिफिक एक्सटर्नल सर्वर्स होते हैं, तो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट भेजता है वो एक्सटर्नल सर्वर्स के पास जाती है, एक्सटर्नल सर्वर्स जो हैं वो इन रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करते हैं कोर सिस्टम के साथ, वो ये रिक्वेस्ट माइक्रो कर्नल के पास भेजते हैं और माइक्रो कर्नल जो है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट जो है एक्सटर्नल सर्वर को प्रोवाइड करेगा और एक्सटर्नल सर्वर जो है क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। तो एक्सटर्नल सर्वर्स क्या हैं, ये वर्क करते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड माइक्रो कर्नल और ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। अडाप्टर्स और इम्यूलेटर्स, इंटरफेस बिटवीन क्लाइंट्स एंड देयर एक्सटर्नल सर्वर्स। अब क्लाइंट्स और एक्सटर्नल सर्वर्स के बीच का जो इंटरफेस होता है वो होते हैं अडाप्टर्स और इम्यूलेटर्स। तो अडाप्टर्स आर द इंटरफेस बिटवीन क्लाइंट्स एंड देयर एक्सटर्नल सर्वर्स। इट प्रोटेक्ट क्लाइंट्स फ्रॉम द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द माइक्रो कर्नल। एन ए क्लाइंट रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम एन एक्सटर्नल सर्वर, द अडाप्टर फॉरवर्ड्स द कॉल टू द अप्रोप्रिएट सर्वर। तो जो अडाप्टर होते हैं वो इंटरफेस होते हैं क्लाइंट्स और एक्सटर्नल सर्वर्स के बीच में, जिससे क्लाइंट्स जो हैं उन्हें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं पता चल सके माइक्रो कर्नल की, तो क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द माइक्रो कर्नल से। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस के लिए एक्सटर्नल सर्वर से, तो अडाप्टर क्या करता है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होगी वो किस अप्रोप्रिएट सर्वर को ट्रांसमिट करनी है, फॉरवर्ड करनी है, वो कौन करेगा, अडाप्टर करेगा। ने बहुत सारे एक्सटर्नल सर्वर्स हैं, क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सटर्नल सर्वर चाहिए होगा, अडाप्टर उसकी रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल सर्वर को प्रोवाइड करेगा, जिससे वो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सके। क्लाइंट्स, इट इज़ एन एप्लीकेशन दैट इज़ एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एक्सटर्नल सर्वर। इट ओनली एक्सेस द प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सर्वर्स। क्लाइंट क्या है, वो एप्लीकेशंस हैं जो एग्जैक्टली वन एक्सटर्नल सर्वर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, और ये जो क्लाइंट्स हैं सिर्फ उन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को यूज़ कर सकता है जो एक्सटर्नल सर्वर प्रोवाइड करता है, उसके अलावा किसी भी प्रोग्रामिंग इंटरफेस को नहीं यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो आर्किटेक्चर पैटर्न्स आर इक्लिप्स आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट इज़ ए बेस प्रोडक्ट, इट इज़ जस्ट लाइक एन एडिटर, बट व्हेन वी ऐड प्लगइन्स इट बिकम्स ए कस्टमाइजेबल एंड मोर यूजफुल प्रोडक्ट। तो इक्लिप्स आईडीई क्या होता है, एक बेस प्रोडक्ट होता है और ये एक एडिटर की तरह वर्क करता है।
तो ये एक सिंपल एडिटर होता है और जैसे जैसे हम इसमें प्लगइन्स ऐड करते जाते हैं तो ये एक मोर यूज़फुल प्रोडक्ट बन जाता है। वेब ब्राउज़र भी जो है वो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, क्योंकि वो एक सिंपल प्रोडक्ट होता है, सिंपल बेस्ड प्रोडक्ट होता है। उसमें आप जैसे जैसे प्लगइन्स ऐड करते जाते हो वो आपको मोर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता जाता है। तो व्हेन वी ऐड मल्टीपल प्लगइन्स इन वेब ब्राउज़र दिस प्रोवाइड मोर फंक्शनलिटी टू अवर बेसिक वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पैटर्न। फर्स्ट इज ईजी टेस्टिंग। इंडिविजुअल प्लगइन मॉड्यूल्स कैन बी टेस्टेड इन आइसोलेशन, क्योंकि यहाँ पर प्लगइन्स यूज़ हो रहे हैं, प्लगइन मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो हर प्लगइन क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हम हर प्लगइन की टेस्टिंग जो है इंडिविजुअली कर सकते हैं दूसरे प्लगइन्स के कंपैरिजन में। एक्सटेंसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दिस पैटर्न प्रोवाइड्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट एन एडिशनल व्यू एन एडिशनल एक्सटर्नल सर्वर इज एडेड। तो अगर हमें क्लाइंट को कोई एडिशनल व्यू प्रोवाइड करना है तो हमें एक एडिशनल एक्सटर्नल सर्वर ऐड करना पड़ेगा जो उसको ये एडिशनल व्यू प्रोवाइड करेगा माइक्रो कर्नल सॉफ्टवेयर का। यानी आप कह सकते हो कि हमें कोई न्यू फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को तो हमें एक न्यू एक्सटर्नल सर्वर को ऐड करना पड़ेगा। एक्सटेंडिंग द सिस्टम विथ एडिशनल कैपेबिलिटीज ओनली रिक्वायर्स द एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल सर्वर। तो जब भी हमें सिस्टम को एक्सटेंड करना होगा, कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी हमारी कोर एप्लीकेशन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इंटरनल सर्वर्स को कोर सिस्टम के साथ ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। इट ऑफर्स हाई डिग्री ऑफ पोर्टेबिलिटी। देयर इज़ नो नीड टू पोर्ट क्लाइंट्स और एक्सटर्नल सर्वर इफ़ वी पोर्ट माइक्रो कर्नल सिस्टम टू ए न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एनवायरनमेंट। तो पोर्टेबल है ये कि अगर आप कोई नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो माइक्रो कर्नल सिस्टम में, तो उस केस में आपको क्लाइंट्स को और एक्सटर्नल सर्वर को पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो वैसे ही रहेंगे, उनकी फंक्शनलिटी में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें माइक्रो कर्नल को न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम के अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ेगा। माइक्रो कर्नल कैन बी माइग्रेटेड टू ए न्यू हार्डवेयर एनवायरनमेंट बाय मॉडिफिकेशंस टू द हार्डवेयर डिपेंडेंट पार्ट्स। और माइक्रो कर्नल में अगर आप कोई न्यू हार्डवेयर एनवायरनमेंट लाना चाहते हो तो आपको सिर्फ उसमें उन हार्डवेयर डिपेंडेंट पार्ट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे जो उससे अफेक्ट होंगे, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पैरेलल डेवलपमेंट। माइक्रो कर्नल एंड प्लगइन्स कैन बी डेवलप्ड बाय सेपरेट टीम्स। सेपरेट टीम्स को हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रो कर्नल और प्लगइन्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पैटर्न। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने में। एनालाइजिंग और प्रिडिक्टिंग द बेसिक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय माइक्रो कर्नल कंपोनेंट बिकम्स डिफ़िकल्ट समटाइम्स। इसको चेंज कर देना, इसकी स्पेलिंग ठीक कर देना। तो ये पता करना या एनालाइज करना कि क्या कोर फंक्शनैलिटी हमें माइक्रो कर्नल कंपोनेंट को प्रोवाइड करनी है, ये समटाइम्स डिफ़िकल्ट होता है। रिक्वायर्स ए थोरो एनालिसिस ऑफ द डिज़ाइन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर टाइप की एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ता है डिज़ाइन का, बहुत डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ती है कि क्या क्या हमें फंक्शनैलिटी कोर में रखनी है और क्या क्या प्लगइन्स रिक्वायर्ड होंगे, वो कंप्लीट एनालिसिस करनी पड़ती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है।